बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्नुल अरबी फरमाते हैं कि अगर किसी सवाल का तुझे जवाब ना आता हो तो खामोश रहो, मुमकिन है तुझे जवाब की जरूरत ही ना पड़े। उन लोगों से हमेशा बच के रहो जो उलमा की तकरीरों को त्रोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मजजूब की कैफियत जहल नहीं, इलम है। अल्लाह के साथ सब्र करो और उससे डरते रहो। बिलाशुबा वो उस वक्त जलीलो ख्वार हो जाता है जब उसे अल्लाह पर भरोसा नहीं रहता। नफ्स की पैरवी छोड़ दो और उसकी तरफ अपना रुख पेरो जो सच्चा है और सच्चाई की तस्दीक करता है। अगरचे समंदर में गहराई होती है लेकिन दिल का साहल सबसे ज्यादा गहरा है। जब वो तुझे ना दे तो यही उसकी अता है, और जब वो तुझे अता करे तो ये उसका ना देना है, तो लेने से ना लेना बेहतर है। जो शख्स अल्लाह के कवानीन की ना फरमानी करे उसे कभी इज्जत हासिल नहीं होती, चाहे उसकी शोहरत आसमानों को छूती हो। जब भी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ख्याल मेरे दिल में आता है तो मैं अपने आमाल का सोचकर शर्मिंदा हो जाता हूँ। जो आंसू हम बहाते हैं वो हमारे दिल के बाग को सैराब करते हैं। परेशानी तो आती जाती है और आती जाती रहेगी, तुम बस अल्लाह से उम्मीद मत हारना। इंसान की हिफाजत दर असल उसकी मौत का मुकर्रा वक्त करता है। अल्लाह का हिसाब सब के लिए यकसा है। जो बीज अपने छिलके को उतरने ना दे वो कभी एक फलदार दरख्त नहीं बन सकता। जिसमें ये चीज देखो तो समझ जाओ वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। अगर वो तुमसे मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है तो उसकी मोहब्बत पर एतमाद कर लो, क्योंकि यही सच्ची मोहब्बत है। अगर आपका ईमान दिल के